बंद कमरे की बात कुछ मर्यादाएं हैं तो उनका मैं पालन कर रहा हूं, और इतनी उसकी बात हो गई है कि मुझे भी लगता है कि लोगों को वो भी बात किसी समय में शेयर कर दूं। कहाँ बीसी? जय बीरू की ही बात नहीं थी, हम लोग दो जिम्मेदारी के जगह पे थे, एक पीसीसी प्रेसिडेंट थे, एक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और मैंने हम लोगों ने सब यही प्रयास किया था, सब मिलके लड़े। आपको ध्यान होगा उसके पहले जोगी जी थे, हमारे मुख्यमंत्री थे, लेकिन ऐसा लगता था कि कांग्रेस में अलग अलग जगह से अलग अलग आवाज़ उठ रही है, उन्होंने अलग दल बनाया, और उसके बाद शेष हम लोग जो कांग्रेस में थे, हम लोगों ने यही प्रयास किया, पहल की, सफल हुए कि सब साथ आके हम लोग लड़े। आपको अलग आवाज़ उस समय सुनाई नहीं दी होगी, तो जय वीरू ही नहीं थे, सब साथ थे, और जब जब सब कोई साथ मिल के लड़ेंगे परिणाम अच्छे आएंगे। जय वीरू की स्टोरी आपने पूछी तो मैंने उसके बारे में कुछ बताया, बंद कमरे की बात कुछ मर्यादाएं हैं तो उनका मैं पालन कर रहा हूं, और इतनी उसकी बात हो गई है कि मुझे भी लगता है कि लोगों को वो भी बात किसी समय में शेयर कर दूं। अमूमन मैं इस विचार का रहता हूं कि जितनी पारदर्शिता रहे उतना अच्छा है, और उसी लिए कई बार मुझे बत्ती भी पड़ती है, कई बार मुझे कहा जाता है कि आप ज़्यादा बोल जाते हो, कई बार मुझे कहा जाता है कि नहीं मीडिया में आप कुछ मत बोला करो, पर मेरा जो स्वभाव है वो यही है कि यथासंभव जितनी बातें जो सामने आ रही हैं उनको अगर शेयर कर लिया जाए, उनको साझा कर लिया जाए लोगों से तो बेहतर रहता है। राजनीतिक मामला है, फिलहाल कोई ऐसी बात हाईकमांड से नहीं आई, उन लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो मुझे अभी कुछ कहना उचित नहीं लगता है, लेकिन जीवन काल में कभी ना कभी मैं उस चीज़ को ज़रूर सबके साथ साझा करूँगा।